हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त मोनिका आज आपके सामने फिर एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। तो आइए मैं जल्दी से इसका नाप बता देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने टुकड़े लगा लिए हैं, तो मैं बता देती हूँ आपको नाप। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने ये चार चार पीस 3-3 इंच के लेने हैं। 3 इंच की लंबाई, 3 इंच की चौड़ाई, चार पीस ये हैं, चार पीस ये हैं। फिर हमें 8 पीस 2.5-2.5 इंच के लेने हैं, 2.5 इंच की लंबाई, 2.5 इंच की चौड़ाई। चार पीस हमें ये लेने हैं, जो चार पीस ये लेने हैं तो 1.5-1.5 इंच की इनकी लंबाई और 1.5 इंच की इनकी चौड़ाई है। तो अब ये देखते हैं फ्रेंड, ये हमारी 9 इंच की इसकी लंबाई है और 2.5 इंच की इसकी चौड़ाई है। ये 2 पीस हैं। ये फ्रेंड्स, ये 13.5 इंच की हमने इसकी लंबाई ली है और 2.5 इंच की इसकी चौड़ाई है। ये भी 2 पीस हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये हमारी जो ये 4 पीस हैं इनको हम पहले ऐसे कर लेंगे, इनको सेट कर लेंगे, इनके ऊपर ये पीस रख लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर हम इनके बीच में एक लाइन लगाएंगे। अगर आपको सिलाई लगाने में प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले ऐसे आप एक लाइनिंग लगा लें। तो ये लाइन हमने लगा दी है। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, जैसे ही हमने लाइन लगाई है, यहाँ पर हम बीच की लाइन को छोड़ के हम साइड साइड लाइन पे सिलाई लगा लेंगे। तो हम चारों टुकड़ों पहले सिल लेते हैं, फिर उसके बाद मैं इनका नाप, इनका सिलना बताऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हम मेरे ये चारों टुकड़े तैयार हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें बीच में से कट लगाएंगे। ये बीच में से हम उसको काट लेंगे। काटने के बाद ये ऐसे तैयार हो जाएगा। और जो हमारे ये एक्स्ट्रा जो ये कोने निकले हुए हैं, इनको भी हम यहाँ से कट कर देंगे। ये पूरा पीस 2.5 इंच का तैयार हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, तो ये हमारे पीस हो गए हैं। आप इसको जब भी इसको खोलें तो इसको ऐसे, इसको नेल्स की मदद से इसको ऐसे तरीके से कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, हमारी ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो ये हमारे पीस तैयार हो गए हैं। तो अब क्या करेंगे हम फ्रेंड्स, इसको हम रखते हैं साइड में और हम ये पीस लेते हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड, इसमें से 4 पीस ले लेंगे। ये हमने 4 पीस ले ली हैं। अब उसके बाद हम ये 4 पीस इनके ऊपर लगा देते हैं। ये लग गया। अब क्या करेंगे, इसको इस कोने से अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब क्या करेंगे, इस कोने से लेके इस कोने तक पहले हम फुटे की मदद से एक लाइन लगा लेते हैं। ये हमारी लाइन लग गई है। अब क्या करेंगे, हम ऊपर की तरफ एक लाइन और लगा देते हैं, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये हमने एक लाइन और लगा ली है। तो हम क्या करेंगे, हम ये ऊपर वाली लाइन से हम बाद में कट करेंगे, और ये जो हमारी पहली लाइन है बीच, बिल्कुल बीच में, इस पर हम सिलाई लगाएंगे। सब पर हम पहले लाइन लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इन पे सब पे लाइन लगा ली है। अब हम इन पे सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे जो टुकड़े हैं ये सिल गए हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद ये ऐसे हो जाएगा। तो इसको हम नेल्स की मदद से इसको सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये ऐसे खुल जाएगा। तो हम बाकी को भी कट कर लेते हैं और ऐसे ही खोल लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने 4 पीस खोल लिए हैं। अब क्या करेंगे, अब हम इन सारे
टुकड़ों को सेट करके दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम इन टुकड़ों को आपस में यहाँ सेट कर लिए हैं, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है अगर हम अलग अलग टुकड़े सिलेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो इसलिए हम पहले ही इसको यहाँ बिछा के सेट कर लेते हैं, फिर हम एक एक लाइन उठाकर सिलेंगे। तो जैसे ये है फ्रेंड्स, इस टुकड़े को क्या करेंगे, इस पे रख के ऐसे पलटेंगे और इसको इस पे रख के ऐसे पलटेंगे, फिर हम बीच में से इस टुकड़े को जोड़ेंगे। तो आइए मैं सिल के दिखाती हूँ। तो देखिए ये दोनों पीस हमने सिल लिए हैं, अब हम इसको इस पे रख कर सिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये ऊपर वाला हिस्सा सिल गया है, अब हम इसको भी ऐसे ही सिलेंगे, इसको इस पे रख के सिलेंगे और इसको इस पे रख के सिलेंगे, ऐसे सिलाई लगा देंगे और फिर इसी तरीके से आपस में जोड़ देंगे। तो मैं ऊपर का हिस्सा भी सिल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये ऊपर वाला हिस्सा भी सिल लिया है, ऐसा ही हम इसको सिलेंगे, ऐसे ही हम इसको सिलेंगे। तो मैं ये पूरा आपको सिल के दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे चारों टुकड़े सिल गए हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको इस पे रख कर सिल देंगे और इसको इस पर रख के ऐसे सिल देंगे। तो हम पहले इन दोनों टुकड़ों को आपस में जॉइंट कर लेते हैं, इसको इस पे रख कर सिलेंगे और इसको इस पे रख कर सिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे ऊपर के और नीचे के दोनों टुकड़े तैयार हो गए। अब क्या करेंगे हम, अब इसको यहाँ से सिलेंगे। तो पहले क्या करेंगे हम, बीच वाले को बिल्कुल जोड़ लेंगे और सिलाई को सिलाई से करके अच्छी तरीके से सेट लाइनिंग, फिर हम इसको सिल लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये पिन ली है हमने और इसको हम बीच में इस तरीके से लगा लेंगे और फिर हम यहाँ से सिल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा तैयार हो चुका है और अब हम क्या करेंगे, हम इस पर बॉर्डर लगाएंगे। आप चाहे तो बॉर्डर लगाइए, नहीं चाहते तो बॉर्डर मत लगाइए, लेकिन ये मुझे बॉर्डर के साथ बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने इसमें बॉर्डर जॉइंट किया है। तो देखिए फ्रेंड, हमने ये बिछा लिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको ऊपर वाले को सिलेंगे, फिर इसे नीचे वाले को सिलेंगे। इसको यहाँ रख के यहाँ सिलाई लगा लेंगे और इसको यहाँ रख के यहाँ सिलाई लगा लेंगे। याद रखना फ्रेंड्स, ये जो टुकड़े होते हैं ना, ये लास्ट में लगाने वाले, ये थोड़े से हमें आधा इंच बड़ा ही लेना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बार कंफ्यूजन ऐसी हो जाती है कि टुकड़ा छोटा पड़ जाता है। तो हम इसको ले लेते हैं, इसको यहाँ सिलाई लगा लेते हैं, इसको वहाँ, और फिर मैं इनको सिल के दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सिल लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने आधा आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो देखिए ये आधा इंच एक्स्ट्रा आ गया है। इसको हम कट कर लेते हैं और इधर भी हम कट कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे फ्रेंड्स, फिर हम इस टुकड़े को यहाँ पर रख कर सिल लेंगे और इसको यहाँ पर रख कर सिल लेंगे। तो मैं सिल के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना खूबसूरत डिज़ाइन बन गया है और ये मैंने आपको पहले दिखाया था। देखिए फ्रेंड, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, तो आप इसको ज़रूर बनाइए, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।